Today's webinar is on emerging career during COVID-19. Basically, this particular webinar will be helping or guideline for the business graduate and emerging professionals, in which our guest, eminent guest two, we have invited two eminent guests. One is Dr. Rashid Ali. He is the chairperson, FMS, Indus University, author of 4 books, publications, 12 international publications, industry experience, 31 years, advocate high court and PhD in basically in career planning ke andar inki topic hai. And the second speaker is Dr. Mustafa Haider. He's the assistant professor, University of Karachi, author of 8 books, publication of 18 international publications, teaching for about 20 years, involved in foreign funded projects. Aur inki to specialty hai, that is basically they have written a lot of research paper on the career. So I thought ke in ye do jo hamare jo guest hain, respected guest hain, inko maine socha ke inko invite kiya jaye, because the topic jo aapko pata hai ke wo hai guideline for business graduate and emerging professional during this COVID-19. Before I move to my guest, I would like to share some of the statistics, some of the data, some of the information that I would like to share with you. Uske baad sab inshallah apne jo hamare speakers hain unki taraf main jaunga. Around McKinsey Global report ke andar jo hai, around jo 8 countries hain uska jo ke which is contributing to the half of the global population and about 62% of the GDP, unka kuch data logo ne gather kiya hai in logo ne McKinsey Global report ke andar. The topic is the future of the work after COVID-19, jiske andar unhone kaha hai ki jo jobs hain that is highly physical proximity are likely to be most disruptive would be the medical care, computer based office work, schools, restaurants and hotels, रिटेल स्टोर्स एंड बैंक्स, ये वो जॉब्स हैं जो कि मोस्टली इफेक्टेड हो सकती हैं. अच्छा, इकोनॉमिस्ट जो है वो 2018 के अंदर दे हैव ऑलरेडी रिटन दिस थिंग के जो ई कॉमर्स हैज डेफिनेटली विल बी इंक्रीजिंग फ्यूचर के अंदर. वी ऑलरेडी इकोनॉमिस्ट 2018 के अंदर बात कर चुके हैं. रिमोट वर्क विल बी इंक्रीज. ऑटोमेशन जो है वो जहाँ पे 2020 के अंदर 75 मिलियन जॉब्स जो है जहाँ पे लोग अपनी जॉब खोएंगे वहाँ पे 100 मिलियन जॉब्स विल ऑटोमेटिकली विल बी क्रिएटेड, जैसा कि हम देख रहे हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भी जो है वो जो मोस्ट लाइकली जो जॉब्स हैं वो उस पर उन्होंने डेटा साइंसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की है. सेल्स एंड मार्केटिंग कॉन्टेंट्स के हवाले से बात हो रही है. डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कॉन्टेंट स्पेशलिस्ट एंड कस्टमर सर्विसेज के हवाले से बात हुई उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में. कहा कि ये एरिया हैं जिसके अंदर जो है वो मोस्ट लाइकली जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी. इमर्जिंग जो और जो फील्ड्स हैं जिसके अंदर इंजीनियरिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, दीज आर द एरिया जिसमें जो है वो लाइकली हमें जो है वो वी हैव टू लुक इनटू दिस एरिया, जो कि हमें इंडिकेट कर रही हैं सारे बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही रिलायबल सोर्सेज हैं. जिसमें एक लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर जो है वो मेक उन्होंने कहा है कि जी जो चेंजेस आएंगी वो आएंगी मेक वर्क पोर्टेबल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेलरेट ऑटोमेशंस एंड शेयर एम्प्लॉयज इन क्रॉस इंडस्ट्री टैलेंट एक्सचेंज. ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने इसके ऊपर हमने बात करनी है. और मैं ये चाहूँगा कि अपना जो जो क्वेश्चंस आंसर सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा से. डॉक्टर साहब, आप जो है हाउ वुड यू सजेस्ट एंड क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस सारे चैलेंजेस को एंड अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए, कि हमें ये जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट्स होने वाले हैं इनके लिए आप क्या इसको इस कीपिंग दिस चैलेंजेस आप और अपॉर्चुनिटीज़ जो आप देख रहे हैं, जो कि मैंने आपके साथ अभी छोटा सा जिक्र किया है, तो आप बताएं क्या आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं. डॉक्टर मुस्तफ़ा, आप, आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मुस्तफ़ा टू प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम टू बोथ दी स्ट्रीम पैनलिस्ट एंड द स्टूडेंट्स जो इस वक्त सुन रहे हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इंडस यूनिवर्सिटी टू हाईलाइटिंग दिस वेरी सिवियर इशू के इस पैंडमिक में हमारी यूथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, स्पेशली द यूथ जो कि इस वक्त एक स्ट्रगलिंग फेज में है जॉब के लिए या अपने करियर से रिलेटेड. तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, आई हैव सो फार इन द लास्ट ईयर आई हैव अटेंडेड हंड्रेड्स ऑफ सेमिनार्स एंड वेबिनार्स, बट मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा यूनिक टॉपिक है कि जो शायद मतलब मैंने किसी
को इसके ऊपर ज्यादा वर्क करते हुए नहीं देखा, तो इट्स रियली अप्रिशिएटेबल कि डस्ट यूनिवर्सिटी ने इसको जो है रियलाइज किया और इसको जो है स्टार्ट किया. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इट्स नॉट अ चैलेंज नाउ. एक अलमिया था, एक पेंडेमिक था, इट स्टार्टेड और अब इसके साथ ही रहना, और ये तो टर्म सब सुन चुके हैं, नाउ दिस इज द न्यू नॉर्मल. व्हाट आई फील इट इज एन अपॉर्चुनिटी. रीजन इज दैट कि अब आप भी इसके लिए नए हैं और आपका जो एम्प्लॉयर अगर है, अच्छा आज का हमारा सेशन जो है वो जो मैं समझ रहा हूँ वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, और कल आपका जो सेशन है वो एंटरप्रेन्योर पे, तो मेरा ज्यादा फोकस आज एम्प्लॉयर सेंट्रिक ही होगा. तो ये सिचुएशन जो है वो आपके लिए भी नहीं है और आपके एम्प्लॉयर के लिए भी नहीं है. इट्स अ टू वे अफेयर एक्चुअली. इट्स नॉट यू हु आर फेसिंग दिस थिंग, इट्स योर एम्प्लॉयर एज वेल हु इज ऑल्सो फेसिंग दैट थिंग ना. तो जब सबके लिए देखें, कंपैरिजन या चैलेंज उस वक्त होता है जब एक चीज पहले कभी हो चुकी हो, एक चीज जब पहले कभी हो ही नहीं. एंड यू गाइस विल बी द पार्ट जो इसको इनिशिएट करेंगे, तो इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस के जो चैलेंज आपको लग रहा है, जो अनसर्टेनिटीज या फियर आपको है, वही चैलेंज, वही अनसर्टेनिटी और वही फियर आपके एम्प्लॉयर को भी होगा. तो इट्स अ टू वे अफेयर. पहली बात तो ये अपने जहन में बिठा लें. तो बिल्कुल अपने मोरल को डाउन ना करें. सबसे बड़ी बात कि आप थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंट रहें, और कुछ टर्म्स में आज आप लोगों को बताऊंगा, उन टर्म्स को अगर आप अपने साथ बांध लें और उसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे, तो थिंग्स विल बी वेरी 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 मच इजियर फॉर यू. तो मेक वन थिंग वेरी मच क्लियर कि इट्स अ टू वे अफेयर, दोनों तरफ से है. एम्प्लॉयर भी आपका फेयर में है, एम्प्लॉयर भी अनसर्टेनिटी में है, और आप भी फेयर में, आप भी अनसर्टेनिटी में. सेकेंड थिंग, आपको एक टर्म आज मैं देके जाऊंगा, वो है कैरियर रिजिलियंस. रिजिलियंस की टर्म तो शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो, लेकिन अब आप इसको लेंगे कैरियर रिजिलियंस. एक्चुअली दिस पेंडेमिक ने प्रूव बहुत सारी चीजें, जैसे क्या ग्लोबलाइजेशन की एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी दिखाया, इसी तरह से इस पेंडेमिक ने एक और चीज बताई कि एक जो होता था ना कि स्पेशलिस्ट का एक दौर था कि जी ये इसका स्पेशलिस्ट है, ये इसका स्पेशलिस्ट है, अब वो दौर गया. टू हैव अ सस्टेनेबल कैरियर यू हैव टू बी अ हाइब्रिड सेलर. एक ये चीज अपने जहन में बिठा लें कि अगर आपको अपना करियर सस्टेनेबल रखना है तो यू हैव टू बी अ हाइब्रिड सेलर. आपको मल्टीपल स्किल्स अपने अंदर इंकल्केट करनी पड़ेंगी. इफ यू गो फॉर अ सिंगल स्किल स्पेशलिस्ट का दौर जो था वो इस कोविड ने खत्म कर दिया. एक चीज उसने खत्म की है वो स्पेशलिस्ट का दौर खत्म किया है, नंबर वन. नंबर टू, अपना करियर नेटवर्क बढ़ाएं. अब करियर नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, इसके लिए यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन कोर्सेज या अदर देन आप जो है जैसे कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे होराइजन आएंगे जो आपको ओवरऑल जो है मैं समझता हूँ पर्सनली कि आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे अदर देन टिपिकल मैनेजर. तो सेकंड टिप मेरी जो है वो यही है कि आपको अब हाइब्रिड सेलर होना पड़ेगा रदर देन स्पेशलिस्ट. अब जो कैरियर रिजिलियंस है, इसको आइडेंटिफाई करने के तीन एरियाज हैं या तीन फेजेज हैं जिसके अंदर ये कैरियर रिजिलियंस को जो है आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करोगे. तीन बेसिकली इसमें जो है क्वेश्चन है, एक है एक्सेसिंग का, एक है आइडेंटिफाइंग का, और एक है डिटरमाइन. एक्सेस आपको क्या करना है, रिस्क फॉर योर कैरियर. नंबर वन, एक्सेस द रिस्क फॉर योर कैरियर. अब ये रिस्क फॉर योर कैरियर आज के दौर में कोविड है, लेकिन आगे अब ये चीज ऐसे ही रहेगी. यू ऑलवेज हैव टू एक्सेस द रिस्क एसोसिएटेड विद योर कैरियर. उसके बाद व्हेन यू एक्सेस इट, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फैक्टर्स दैट ओवरकम दैट रिस्क एंड एसोसिएटेड रिस्क. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पोटेंशियल फैक्टर्स को और एसोसिएट रिस्क को. एंड थर्ड में आपके पास आ जाएगा कि आप किस तरह से डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ योर कैरियर. डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ योर कैरियर और द सक्सेस ऑफ द आउटकम ऑफ योर कैरियर, दैट वुड बी द थर्ड फेज जिसके थ्रू आप जो है इस चैलेंज से, जो कोविड 19 का चैलेंज एज अ जॉब सीकिंग इंडिविजुअल हमारे पास आया है, ये हम काफी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं. जी सर, थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर साहब. डॉक्टर राशिद, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जरा प्लीज बताएं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर जॉब लुक्स लाइक्स. थैंक यू वेरी मच हफीज भाई. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हिच आई बिलीव दैट इज द होप, और आई पर्सनली कंसीडर दैट इंजेन्युइटी ऑफ ह्यूमन, आम आदमी का जो शऊर है, आम इंसान का शऊर है, वो इस बुनियादी जरूरियात के हवाले से, रोजगार के हवाले से इतना मुस्तकम है कि वो अपने वसाइल को बरोए कार लाए. लेकिन चूंकि हम एक पसमानदा मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और यहाँ पे वो एजुकेशन नहीं दी जा रही, इवन ये कि आम नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें भी ये नहीं बताया जाता था कि कैरियर के कौन कौन से मौके हमारे पास मौजूद हैं. अब
तो सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, कोई 18% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ चुकी है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो केयर इकोनॉमी है कि जिसमें केयरिंग सर्विसेज आपकी आती है, उसमें ज्यादा लोगों के लिए चांसेस हैं। ग्रीन इकोनॉमी है जो हमारी ज़राअत है, इस शोबे से मुतालिक है। कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो हैं, ये तो अब 2025 तक तो हमें पता है कि जो है 80 मिलियन से ज़्यादा जो है इस तरफ जॉब की कन्वर्जन हो जाएगी जो 2025 तक, और उसके बाद फिर आगे जाके तो ये दूसरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चीज़ें सारी चलेंगी। तो बुनियादी तौर पर तो हमें इसको तो रखना है। अब इसमें मैंने एक दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें भी समझनी चाहिए और हकूमत को भी समझनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ को भी समझनी चाहिए कि देखिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटेलिजेंस कि जिसकी बेस के ऊपर, इन दोनों की बेस के ऊपर आपकी फ्यूचर जॉब बनेगी। क्वालिटेटिव इंटेलिजेंस हो आपकी क्वांटिटेटिव इंटेलिजेंस। अब क्वालिटेटिव इंटेलिजेंस से मुराद क्या है कि ऐसी चीज़ों का मतलब इदराक करना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना कि जिससे आपके रोज़गार के मसाइल या आपकी आम जिंदगी के मसले उन पे जो है वो हो, कमी लाई जाए। और जो क्वांटिटेटिव इंटेलिजेंस है उससे मुराद ये है कि उसके सर्वे की जाए, आपके पास डेटा मैसर हमारे हमें ज़रूरत है कि हम अपने इन चीज़ों के बारे में डेटा अपने पास रखें कि हमारे हमें जो मौके मिल रहे हैं रोज़गार के उसमें कितने हद तक जो है हमें जो है एक्सेस हासिल, क्योंकि हमें एक्सेस का नहीं पता होता कि जो हमारी बेस को जो मार्केट की बेस है उसको कर सके। एक तीसरी अहम चीज बात यह है कि जो न्यू स्किल्स हैं, जैसे हम न्यू स्किल सीखते हैं तो अब न्यू स्किल के साथ साथ हमें अप स्किल और री स्किल इन दोनों की तरफ तवज्जा देनी पड़ेगी कि स्किल्स को कैसे ऊपर करना है। अब वो दौर मतलब नहीं है कि सिर्फ किताब पे हम चलें, अब वो दौर वो ब्यूरोक्रेटिक वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अब हमें अगर पढ़ाना है पढ़ना है या कहीं भी जॉब करनी है या कहीं भी कैरियर को अडॉप्ट करना, सो देयरफॉर वी मस्ट हैव टू शाइन अवर स्किल्स, जिसे कहते हैं कि शार्पन द सॉ। ये बड़ी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ जो हमारी इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो अब रिमोट वर्क के ऊपर फोकस करेंगी। रिमोट वर्कर्स जैसे कंटेंट की है सिलसिले के उसको किस तरह से मतलब लिखा जाता है या दीगर, जैसे डॉक्टर हैदर साहब ने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आइंदा की जो जॉब्स हैं वो इसी सिनेरियो में होंगी जब तक आपके पास ये इंटेलिजेंस मौजूद नहीं होगी, अपनी स्किल्स का रिवाइवल नहीं होगा। और सबसे पहली चीज़ हो कि उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, शऊर जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और ये फ़र्ज़ हमारे असातिज़ा का है, यूनिवर्सिटीज़ के हों या स्कूल और कॉलेजेस के हों, कि उनको होप दिलाएं कि अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ, बहुत कुछ है और हम इसको दोबारा से बहुत बेहतर बना सकते हैं, चाहे इकॉनमी हो चाहे हमारे घर हों, इन चीज़ों को। ये मेरा नुकता नज़र था। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुस्तफ़ा, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा इफ़ यू कैन जस्ट प्लीज थोड़ा सा बताएं कि सर ये जो करियर ऑप्शन हैं वो अब किस तरफ जाएंगे बच्चों के लिए, मतलब जो न्यू ग्रेजुएट्स बिजनेस, स्पेशली जो बिजनेस ग्रेजुएट्स होंगे, क्योंकि डायनेमिक्स तब्दील हो रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें जो है अब वो हमारे पास वो स्ट्रेट अवे स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केटियर नहीं निकलेगा, मार्केटियर रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास रिटेलर की हमारे पास एकदम से डिमांड है, ना हमारे पास कोई एचआर प्रोफेशनल्स की डिमांड है। तो अब हमारे पास ये जो करियर ऑप्शंस हैं, व्हाट विल बी द करियर ऑप्शंस फॉर दिस पोस्ट कोविड-19 स्पेशली, क्या आप समझते हैं कि आप बच्चों को किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए, और विज़ डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ को भी उसके हिसाब से जो है वो अपने करिकुलम के अंदर डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें चेंजेस भी लानी चाहिए, और बच्चों को कैसे आपका क्या राय है प्लीज इसके अंदर। अच्छा, मैं डॉक्टर राशिद की बात को ही कैरी करूंगा कि अल्टीमेटली वी हैव टू री इवेल्युएट दी गोल्स एंड दी ऑब्जेक्टिव्स, और उन्हीं गोल्स और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से डेफिनेटली जो ओवरऑल जो करियर ऑप्शन है वो चेंज हो गए। देखिए थोड़ी सी मैं थोड़ा इसमें टाइम लूंगा 5 मिनट,
थोड़ी सी जो है इसको पीछे से ना फिलोसफी समझनी पड़ेगी हमें मैनेजमेंट साइंसेस की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो मैनेजमेंट साइंस पर डिसिप्लिन कोई पढ़ाता ही नहीं था और उसी से प्रैक्टिशनर्स भी नहीं निकलते थे, बल्कि ये एक हायरार्की में और हेरिडिटी में जो है चीजें चल रही होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन पढ़ाया जाने लगा और 1960s तक सिर्फ एक ही चीज होती थी मैनेजमेंट या उसके साथ एसोसिएट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होना शुरू हुई। 60s to 80s का जो एरा था उसके अंदर लोगों को पता लगा अच्छा यार मार्केटिंग भी कोई चीज होती है जो अलग से पढ़ाई जानी चाहिए। तो फिर 60s, 70s, 80s में बहुत ज्यादा मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट चीजों को इमर्ज किया गया। और ऐसा नहीं है मार्केटिंग पहले थी नहीं, मेक दिस थिंग वेरी मच क्लियर, एज अ सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा हूँ और आफ्टर टेकिंग स्किल्स थ्रू दैट सब्जेक्ट जॉब मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, मार्केटिंग तो पहले भी होती थी, एचआर पहले भी था, सब था। 70s to 80s तक जो है मार्केटिंग को जो है ऑर्डर ऑफ द डे समझा जाता था और मार्केटिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा लोग जो है एज अ डिसिप्लिन भी पढ़ते थे और फिर उसको एज अ प्रैक्टिशनर भी इंप्लीमेंट करते थे। 80s के बाद जो है फिर दौर आया, फिर रेवोल्यूशन आया एचआर का और फिर 80s to 2000 जो है वो एचआर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है बात होने लगी और एचआर को लोगों ने बहुत ज्यादा जो है एज अ सब्जेक्ट मैटर और एज अ कैरियर जो है लेना शुरू किया। 2000 से जो स्विच है ये आ गया था सप्लाई चेन में। अब जो दौर चल रहा था जिसमें ये पेंडेमिक आया है, ये दौर चल रहा था सप्लाई चेन का और इस सप्लाई चेन अभी इसका पीक आया था कि अब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, मैक्सिमम चीजें जो है लॉजिस्टिक, वेयरहाउस, प्रोक्यूमेंट, इन्वेंट्री, इस तरह की चीजों पे जा रहे थे और यहीं से ये इवेंचुअली शिफ्ट हो गई और ये शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स जो आईटी हम कहते हैं, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं और हम समझते हैं इट्स मीन कंप्यूटर, ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल साइंसेस एक्चुअली। इस चीज को यहां से बहुत बूम मिला। अब ये भी कंसीव कीजिएगा कि मैं कह रहा हूं आईटी अभी डेवलप हुआ है, आईटी तो 50-60-70 साल से चलता आ रहा है, इंटरनेट डेटा कम्युनिकेशन से लेकर यहां तक आ गया, बट अब जो कैरियर बूम आ रहा है वो है आईटी का। सप्लाई चेन पीक पे पहुंच चुका है और अब सप्लाई चेन से शिफ्ट करेगा। देखिए मेरे जो एनालिसिस है 25 to 20 years की जो है ना हर चीज की लाइफ होती है, अगर हम मार्केटिंग, एचआर, सप्लाई चेन और इवेंचुअली अब आईटी की बात करें तो जो आईटी है या एमआईएस है इसके ऊपर अब ज्यादा जो है फोकस होने लग जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये, इसको हम जैसे मैंने कहा कि रीवैल्यूएट और रीअसेस्ट हम करेंगे। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं, अच्छा अब यहाँ पे ना दो एक्सट्रीम्स हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम वो स्किल्स हैं जिसमें आपके पास जो है कहना चाहिए कि जी पब्लिक गैदरिंग है, पब्लिक डीलिंग है, इस तरह की चीजें थी। और कुछ चीजें हैं जो अपनी मैक्सिमम पीक डिमांड पे पहुंच जाएंगे, जो एक बीच का रास्ता होता था ना वो इस वक्त मुझे कम नजर आ रहा है। अब इसमें टिप्स क्या है, लाइक वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंस, अकाउंटिंग या कॉमर्स में अच्छे हैं, मुझे पर्सनली ये फील होता है, अभी डॉक्टर साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त बात की थी, कि अब वो डेटा लिटरेसी की तरफ चले जाएंगे, अब उनको डेटा एनालिटिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए, अब उनको जो है मुख्तलिफ किस्म के जो इवेल्युएशन और एनालिसिस होते हैं डेटा एनालिटिक्स जो है इसके ऊपर अब जो है काम करना चाहिए। दोज हु आर गुड इन कॉमर्स, दोज हु आर गुड इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, वो डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाएंगे। सिमिलरली दोज हु आर गुड या दोज हु ऑफ मार्केटिंग, दे शुड गो फॉर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। अब जो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे है वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है ऑब्वियसली। अच्छा अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हाउ टू यूज द डिजिटल गैजेट्स, हाउ टू डिजाइन दीज गैजेट्स, हाउ टू हैव अ मैक्सिमम रीच, इस तरह की सारे जो इस वक्त जो है चीजें हैं ये मार्केटिंग वालों को करनी चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे मुश्किल फ्रेम में एचआर वाले। एचआर वालों को लगता है इवेंचुअली वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट था जो 90s से ऑनवर्ड एचआर वाले जो है बहुत ज्यादा फोकस करते थे और जो ओनर्स हैं वो उसको इतना ज्यादा एप्रिशिएट नहीं करते थे, वो था वर्क फ्रॉम होम। और अब अच्छा इसमें ना मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे फीमेल्स के लिए भी है, दोज हु कैन नॉट ट्रैवल या ऑफिस में ज्यादा टाइम नहीं दे सकते और बहुत ज्यादा ये होता है जी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसको जो है एक जमाना था वर्क फ्रॉम होम को जो है ना एक आसानी या एक आशाइश या एक प्रिविलेज समझा जाता था कि इसको जी बहुत ही ज्यादा नवाज दिया गया कि जी वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। और अब सिचुएशन देखें कैसा शिफ्ट मारा सिनेरियो ने और अब वर्क फ्रॉम होम जो कर सकता है वो सबसे ज्यादा जो है समझ लें इस वक्त बादशाह स्किल वाला बंदा बन गया, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना एक शिफ्ट हो गया। तो अब एचआर के लिए भी जो है ना नया ट्रेंड, अभी मेरा एक पेपर अभी रिसेंटली पब्लिश होने वाला है उसके बाद वो आपको भी शेयर करूंगा, उसमें हमने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की है एचआर शिफ्ट क्या आ रहा है। बिल्कुल इस चीज को जहन से निकाल दीजिए एचआर खत्म हो रहा है, एचआर खत्म नहीं हो रहा। हाँ एचआर के जो डोमेन्स थे उसमें एक बहुत बड़े डोमेन का इजाफा हो रहा है और वो है वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम के लिहाज से एचआर की जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो इवैल्यूएशन हो, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन हो, चाहे वो आपके ऑफिस रोटेशंस हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है
वो इसमें मौजूद हैं। तो एचआर के लिए भी एक बिल्कुल नया डोमेन है कि वो वर्क फ्रॉम होम के लिहाज से अपने पॉलिसीज बनाएं, एचआरआईएस पे काम करें, ऑनलाइन सिस्टम्स पे काम करें। एक दो ऐसे ही प्रैक्टिशनर से मेरी बात हुई, तो अकॉर्डिंग टू देम ये ऑनलाइन या जब से ये कोविड आया है तो ऐसा नहीं वो फारिग हो गए, उनके ऊपर वर्कलोड मजीद बढ़ गया है एंड दे आर लिटरली सर्चिंग फॉर एचआर एंड दीस टाइप ऑफ पीपल दीस डेज। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज खत्म हो रही है। एज फार सप्लाई चेन की बात करें तो सप्लाई चेन में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जी इसको ऑनलाइन बार इसमें भी प्रोक्योरमेंट इन्वेंट्री वगैरह जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, ग्लोबल सोर्सिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन के ऊपर जब से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो सिलसिला है इसके ऊपर बात हो रही है। तो ये सब चीजें हैं जो कि अब शिफ्ट हो रही हैं, और इन चार पांच एरियाज जो मैंने बताए हैं इसमें मेन चीज कॉमन है वो है आपकी आईटी स्किल्स। एंड माइंड इट वंस अगेन मैं इसको रिपीट करूं कि आईटी डज नॉट मीन सिर्फ कंप्यूटर स्किल्स, इसके अंदर आपकी ई कॉमर्स भी आ जाता है, इसके अंदर आपका डिजिटल मीडिया भी आ जाता है, इवन इसके अंदर आपका एंटरटेनमेंट भी आ जाता है। आजकल आप देख लें ना एंटरटेनमेंट से कितना ज्यादा लोग कमा रहे हैं, कितना ज्यादा जो है इसके ऊपर जो है एंटरटेनमेंट के ऊपर जो है लोगों को जो है एक अच्छे डोमेन में जो है पैसे की तरफ लाया जा रहा है। अगर आप वैसे देखें तो मैं तो समझता हूं कि अब नेक्स्ट ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑलमोस्ट खत्म हो गया और सोशल मीडिया इज एवरीथिंग। कि अब जो भी प्रोग्राम देखना है, जो कुछ भी देखना है, मैं यूट्यूब के चैनल बने हुए हैं ये सब चीजें, तो इन इनकी एक्सपर्टीज आपको जो है आपकी अलोंग विद योर स्पेशलाइजेशन आपको एक एड ऑन एक्सपीरियंस देंगी और आपकी सीवी यकीनन बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। सिमिलर केस द बैंकिंग, हाउ कैन आई फॉरगेट द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग की अगर बात करें तो जितना ज्यादा डिजिटल बैंकिंग इस वक्त हो गई है, जितना जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम हो रहा है और इसके अलावा जितना भी आप देखें प्लास्टिक मनी और इस तरह की चीजों पर काम हो रहा है, तो ये वो चीजें हैं, ये वो स्किल्स हैं। अगर आप अगेन यू आर गुड इन फाइनेंस, यू आर गुड इन बैंकिंग सेक्टर, तो यू शुड गो फॉर दिस डिजिटल बैंकिंग फिनोमेना एज वेल, और इसके ऊपर अपनी स्किल्स जो है इसको डेवलप करें। डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज अब निकल रही हैं, आप देखें जैज कैश निकल आया, इजी पैसा निकल आया, इस तरह से बैंक्स अपने डिफरेंट एप्स बना रहे हैं। तो एवरीथिंग अब आईटी इज द ऑर्डर ऑफ द डे एक्चुअली, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर आपको स्किल लेनी ही लेनी पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर एथिक्स इस तरह की चीजें। आप वैसे वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा पब्लिक पॉलिसी की तरफ अपना ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा लॉ की तरफ अपना ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा लीगल डायमेंशन को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक बहुत जबरदस्त उनका होराइजन खुल गया है, और वो है साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉज कैसे बनेंगे, साइबर सिक्योरिटी कैसे होगी, और किस तरह से हम जो है साइबर एथिक्स के ऊपर बात होती है, एथिकेफ के ऊपर कैसे बात हो सकती है। डिफरेंट किस्म के स्कूल्स इस वक्त बन चुके हैं, इंटरनेट स्कूल्स, इंटरनेट गवर्नेंस स्कूल ऑनलाइन बन रहे हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो हर हर डोमेन से एक शिफ्ट बन रहा है जो कि एक नए डोमेन को जनरेट कर रहा है। एंड लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माय यूथ, क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री का पार्ट बन गए। अब आप लोगों को लोग पढ़ेंगे कि यार उस जमाने में लोग थे 2020 में जो लोग पास आउट हो रहे थे, उन्होंने किस तरह से अपना पैराडाइम शिफ्ट किया और किस तरह से अपनी अप्रोचेस को शिफ्ट किया और किस तरह से वो जो है एक जो न्यू नॉर्मल था उस तरफ आए। तो यू गाइस आर नॉट नॉर्मल, आप लोग जो है सुपर नॉर्मल से भी आगे की बात करेंगे, और आप लोग जो है बहरहाल इस वक्त अगर मैं बात करूं तो यू गाइस आर एक्चुअली मेकिंग हिस्ट्री। इस बात को अपने जहन में रखिएगा लिटरली, और मैं कोई आपको सिर्फ ये क्या मोटिवेट डिमोटिवेट करने वाली कोई बात नहीं इसमें, यू गाइस आर रियली मेकिंग हिस्ट्री। और आज से 100 साल 50 साल बाद अगर दुनिया हुई तो आप लोगों को एज अ केस स्टडी पढ़ा जा रहा होगा कि हाउ यू शिफ्ट योर एकेडमिक्स एंड हाउ यू शिफ्ट योर कैरियर्स फ्रॉम कन्वेंशनल टू दिस आईटी बेस्ड, व्हाट वी कैन से आईटी पॉइज्ड इनफैक्ट कहते हैं, क्योंकि हर चीज में ही आईटी इस तरह से पॉइजन की तरह लगी है, आईटी पॉइज्ड जनरेशन में आपने कैसे अपने आप को कन्वर्ट किया। जी सर, ग्रेट, लवली, जबरदस्त। मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब की जो आपके जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे होंगे इस वक्त दिल बी मोर मोटिवेटेड, स्पेशली आपकी जो बात है फॉर एचआर प्रोफेशनल्स के लिए वो बड़ी मोटिवेटेड, जो बच्चे एचआर के अंदर जाना चाह रहे होंगे दिल बी मोर मोटिवेटेड विद योर कॉमेंट्स। तो मैं अब डॉक्टर राशिद से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा सर आप बताएं कि ये जो एम्प्लॉयबिलिटी सोल्यूशन है क्या इसके बारे में आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी का जो इशू आ रहा है, अब जैसे हमने बताया कि आपको जहां पे जॉब्स पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, अब उसमें जो है अब ये जो अब नए बच्चों की कहां गुंजाइश बनेगी, ये कहां अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को ढूंढें, क्या करें, कौन सा ऐसा एरिया जहां पे ये अपने नौकरियों को तलाश करें, सर थोड़ा सा आप इसके ऊपर रोशनी डालिए डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ, ये बहुत डॉक्टर हैदर साहब ने तो बहुत जबरदस्त, वो जिसे कहते हैं ना दरिया को फूजे ने बंद कर दिया, बहुत जबरदस्त बात की और बड़ी वाजे करके बता दी। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है मतलब इट इज नाउ द ऑर्डर ऑफ द डे, और जैसे आप देखते हैं नेटफ्लिक्स देखते हैं, गेमिंग
का जो सबसे वो हमारे छोटे से बच्चे भांजे बताते हैं हमें कि जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन है वो गेमिंग का वो ऐप है कोई, मतलब पबजी ऐप है या कोई दीगर ऐप है जो हमारी 20% 30% आबादी बच्चों की है, तो वो बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे डेवलप कंट्री हो चाहे अंडर डेवलप कंट्री, और आजकल ये बड़ा इजीली एक्सेसिबल। तो बिल्कुल ठीक बात है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो बुनियादी वो जगह है कि जहां पे हमें अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि अब दौर एप्लीकेशंस का है, अब एप्लीकेशन के तहत ही दुनिया चलेगी, मुख्तलिफ किस्म के हम इस वक्त भी एक एप्लीकेशन के ही थ्रू एक दूसरे से मुखातिब हैं और बहुत सारी दुनिया में सुन रही। लेकिन एक जो अहम तरीन चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स इसे गौर से सुन लें चाहे लिख लें, ये एक वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक फोरम उसकी एक रिपोर्ट थे, वहां से मैंने निकाले थे कुछ, ताकि बच्चों के लिए हमारे माशरे के लिए भी विद इन द पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल मार्केट कि टॉप क्रॉस कटिंग जो है स्पेशलाइज्ड स्किल्स फॉर द फ्यूचर्स वो क्या चीज है। तो इसे हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया, एक तो है स्पेशलाइज्ड स्किल्स कि कौन कौन सी स्किल्स अभी रहेंगी या जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी, उसके बाद हम बताएंगे कि इमर्जिंग जॉब क्लस्टर्स कौन से हैं। तो लिहाजा जो बच्चे पास आउट हो गए हैं या होने वाले हैं या जो सुन रहे हैं लोग, वो सब थोड़ा सा इसे नोट कर लें, जो स्पेशलाइज स्किल आइडेंटिफाइड किए हैं या जिसे हम वो उन्होंने फोरकास्ट किए हैं, तो जैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है SDLC जिसे कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, डेवलपमेंट टूल्स हैं, डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, वेब डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, और एंटरप्रेन्योरशिप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और डेटा साइंस और रिटेल सेल्स और टेक्निकल सपोर्ट, ये वो सब चीजें जो मेडिकल के अलावा ये वो स्किल्स हैं जिसमें सोशल मीडिया और ग्राफिक डिजाइन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये वो स्किल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जो इमर्जिंग हमारी जो जॉब क्लस्टर्स कौन से इमर्ज हो रहे हैं कि जहां से ये क्लस्टर्स साथ आम है, तो सारे के सारे जैसे डॉक्टर हैदर ने कहा रिलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फोरम, वो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो इसके लिए जैसे कि डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीपल एंड कल्चर, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स, ये एक अलग क्लस्टर बनेगा, और इसके अंदर लोग जो हमारे हैं नए बच्चे इसमें अपनी जॉब देख सकते हैं, जॉब क्लस्टर्स है इस तरह, कंटेंट है दूसरा क्लस्टर जिसमें डेटा कंटेंट, डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सेल्स वगैरह है, ये अगेन वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और डेटा से होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग है डेटा एंड आर्टिफिशियल अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट और डेवलपमेंट, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर पीपल एंड कल्चर, मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट, सेल्स, इसमें भी कंटेंट है और डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मार्केटिंग एंड सेल्स है। उसके बाद एक और है इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो है हमारी यहाँ इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जो है इंजीनियरिंग सेल्स है और उनके उनके थ्रू सेल्स है। लेकिन आज हमारे घर में पिज्जा से लेके एक आप लैपटॉप और बहुत बड़ी मशीनें तक आप वहां से ले सकते हैं। तो ये वो चंद स्पेशलाइज्ड स्किल्स थी जो हमने बताएं कि जो हमें अब जरूरत पड़ेगी जहां दुनिया जा रही है और बल्कि जा चुकी है, और वहीं से हमने अब काम वर्क फ्रॉम होम के लिए बड़े बड़े ऑफिस को खत्म होके छोटे से घर के किसी कोने में वो सारा चीज बन सकती है। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुस्तफा, मैं ये डॉक्टर राशिद की बात को मैं थोड़ा सा जरा चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उसको कंटिन्यू करें, और कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दोस पर्टिकुलर स्किल्स दैट कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट अ गुड जॉब, और दोस पीपल आर ऑलरेडी डूइंग जॉब वो अपने जॉब को सस्टेन कर सकें। अगर उनके पास वो स्किल्स मौजूद हैं तो दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो वो आप कोई पर्टिकुलर कोई दो एक आध दो स्किल्स टॉप नोच स्किल्स बता दें, बिकॉज आप जो बताएंगे वो दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर रिसर्च होगी। द पीस
डॉक्टर मुस्तफा की। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये देखें, हम लोग अगर स्टैटिस्टिक्स देखें दुनिया के 10 इस वक्त रिचेस्ट लोग जो हैं उनमें से 6 या 7 वो हैं जो ITBS काम कर रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये कि IT जो है वो जाहिर है बहुत ज्यादा इस वक्त जो है फ्लोरिश कर रही है मार्केट में। एज फार एज स्किल की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि जी IT की स्किल अब ऐसे है जैसे आप उर्दू इस्लामिया के मुताले पाकिस्तान पढ़ते हैं, जो कि हर जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह एक से ही पढ़ाया जाता है। तो अब जो है होना ये चाहिए उर्दू इंग्लिश अब कम्युनिकेशन स्किल्स मुताले पाकिस्तान इस्लामिया और IT, ये इस तरह से जो है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ का हिस्सा होगी हमारे। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर बात है। अदर देन अच्छा, तो इसको मैं अब स्किल नहीं कहूंगा, इसको मैं नेसेसिटी कहूंगा कि जी कंप्यूटर की स्किल्स हैं, IT की स्किल्स अगर हैं तो ये नेसेसिटी है, ये कोई स्किल नहीं है। स्किल वो चीज होती है जो ऑप्शन होती है, अच्छी लगे तो मैं ले, इस वजह से ये नेसेसिटी बन गया। अब स्किल की बात करें, जैसे कि आपने सवाल किया तो उसके अंदर मैं ये समझता हूं कि अगर हम स्किल सेट्स की बात करें तो क्राइसिस मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नंबर 1, ये सबसे मतलब मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कि आप जो है क्राइसिस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, बिकॉज इस पेंडेमिक ने बहुत सारी थ्योरी सोशल साइंस की दर्जनों थ्योरीज खत्म कर दी। लाइक जब हम बात करते हैं पेंडेमिक की, जब आप बात करते हैं किसी किस्म की इस वबा की बीमारी की, तो आप सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हो, तो इसने जो है ग्लोबलाइजेशन को जो है वो री इन्वेंट कर दिया, इस पेंडेमिक ने इकोनॉमी को जो है रीडिजाइन कर दिया, इसने कैरियर अपॉर्चुनिटीज को रीडिजाइन कर दिया, इसने एनवायरनमेंट को, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसने जो है एनवायरनमेंट की जो चीजें होती हैं उसको रीइन्वेंट कर दिया। तो क्राइसिस मैनेजमेंट इस वक्त जो है ना मुझे लगता है कि वो स्किल है जो सब लोगों में होनी चाहिए अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि क्राइसिस और प्रॉब्लम पैरेलली चलते हैं। इसके अलावा डिजिटल इंगेजमेंट, अब देखें मैं फिर बोल दूं, IT को मैं बिल्कुल एक अलग और नेसेसिटी लग रहा हूं इस्लामियात मुताले पाकिस्तान और IT। डिजिटल इंगेजमेंट, बाय द टर्म डिजिटल इंगेजमेंट, ये थोड़ा सा हमारा जो है ना डोमेन चेंज हो जाता है, जिसमें तमाम गैजेट्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, इसके अलावा आप जितने भी सिस्टम बनाए सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डिजिटल गैजेट्स के थ्रू जो है आप काम करें। इसमें एक और चीज जो बहुत ज्यादा जो है इस वक्त इमर्ज हो रही है और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है अपनी जगह, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि देखें ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डील फॉर द ह्यूमन बाय द ह्यूमन। ह्यूमन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ह्यूमन आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल स्पीशीज इन द वर्ल्ड। अब एक चीज बना लेते हैं, वो चीज जो है 1 करोड़ लोगों के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है, 1 करोड़ एक वहां के उस फिलोसफी को जो है ना वो डैमेज कर सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस टू मी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे स्टूडेंट्स को जो है अब ग्रिप लेनी चाहिए। कल्चरल कॉम्पिटेंसी, ग्लोबलाइजेशन, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो कल्चरल कॉम्पिटेंसी ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। अच्छा, इन चीजों को मैं समझता हूँ किया कैसे जा सकता है, यानी कि ये तो वो चीज हो गई जो स्किल्स आपको चाहिए, हाउ वन कैन अचीव दीज स्किल्स। तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आती है एक्सपेंड योर होराइजन। सबसे पहले तो आपका होराइजन, एक जो बिग पिक्चर वाला कॉन्सेप्ट है ना कि जी बिग पिक्चर और आपकी जो है विजुअलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके ऊपर सबसे पहले तो काम होना चाहिए, एक्सपेंड योर होराइजन। नंबर 2, मैक्सिमाइज योर डाउन टाइम। ये जो थोड़ा ओवरऑल पेंडेमिक आया है, इसने हमें बहरहाल बहुत ज्यादा फारिग भी किया है बहुत सारी चीजों से, तो उस डाउन टाइम को मैं समझता हूँ कि मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। नंबर 3, सोशल नेटवर्किंग अपनी जो है आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सोशल नेटवर्किंग इम्प्रूव करेंगे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि ये एक्टिविटी हमारी हो रही है, इन एक्टिविटीज को जितना ज्यादा एक्टिविटीज में जितना ज्यादा एंगेज होंगे, इन एक्टिविटीज को आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आप जो है अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए अपने होराइजन को जो है ओपन कर सकते। डॉक्टर साहब, कैन आई ऐड समथिंग यहाँ पे, जो आप जो बात कर रहे हैं, जो आपने 3 पॉइंट्स बताए, मैं आई वुड लाइक टू ऐड कीपिंग माय एक्सपीरियंस इन माइंड, कि जैसे हम फैकल्टी जो टीचर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज टीचर्स हैं, जो जिन्होंने भी थोड़ी सी जरा रेजिलियंस शो की है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट दिस IT स्किल्स, हम क्या करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, तो दे आर जस्ट हिस्ट्री। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर ये चीज को अगर वो करेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे कि भाई हम कैसे डाउनलोड कैसे करें, कैसे अपलोड करें चीजों को, कहाँ पे अब कैसे करेंगे, हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे,
तो आई थिंक दिल बी इन ट्रबल इन लेटर स्टेज में दिल बी इन ट्रबल दिस इज माई ऑब्जर्वेशन बिकॉज हमने भी फरवरी मार्च से हमने लास्ट ईयर से हमने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं बिकॉज हम भी एकदम से ऑनलाइन हमें जाना पड़ गया था सो वी हैव फाउंड दिस कि जैसे हम लोगों ने टीचर्स ने भी कुछ लोग जो हैं वो हिस्ट्री हो गए जिन्होंने कहा कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग ऑनलाइन हम नहीं करेंगे हम कैसे करेंगे क्या करेंगे तो स्टूडेंट्स को भी ये सब चीजें जो है ना इनको चाहिए कि अडेप्टेबिलिटी जो है ना मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू इनकलकेट इन आवर सेल्फ इज टू अडेप्टेबल होना चाहिए हमें बहुत फ्लेक्सीबल होना चाहिए एंड वी हैव टू कम आउट फ्रॉम आर कम्फर्ट जोन बाहर आना चाहिए हमें क्योंकि हमारा कम्फर्ट जोन तो वही था कि जी हम अपनी किताबें खोलें और आराम से लेक्चर दें और चले जाएं लेकिन अब ये कि हमें ऑनलाइन कनेक्टिविटी सारी चीजें जो है वो अगर हम अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आए तो मे बी वी कैन सस्टेन आवर जॉब्स जिस तरह से हम अपनी कर रहे हैं इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो अभी करियर में जाएंगे फ्यूचर में सो दे कैन ऑल्सो रिटेन देयर जॉब्स जो कि ऑलरेडी दे आर डूइंग देयर जॉब और जो लोग करना चाह रहे हैं उनको भी थोड़ा सा जरा अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो प्रॉब्ली कर सकेंगे तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंशन किया है आपकी बात को मैं इसमें ऐड मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगा राशिद साहब अगर इजाजत दें क्योंकि मैं गलती कर उनकी है राशिद साहब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं अपना ऑब्जर्वेशन फिर आपके पास आ जाते हैं इसमें देखें जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए देखें टीचर्स में बिल्कुल आपकी सही बात है कि अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए और मैं तो समझता हूं कि बहरहाल इस जिस तरह से मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि आप एक तारीख लिख रहे हैं हम भी कह सकते हैं कि नन ऑफ अस वॉज ट्रेन्ड फॉर दिस टाइप ऑफ सेटअप हमने भी एक साल में ही इसको अडॉप्ट किया है कुछ होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होंगे वेबिनार्स वगैरह पहले से लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट तो मैं तो समझता हूँ कि बहरहाल एक फराज तहसीन टीचर्स के लिए भी है और ये भी एक एवरेज टाइम मैंने देखा है कि अगर 1.5 आवर का लेक्चर है तो उसके लिए आपको तकरीबन 2 घंटे पीछे प्रिपरेशन करनी पड़ती है ऑनलाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ चाहे वो टीचर 15 साल से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो 20 साल से पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लेवल पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है देखिए पहले सेमेस्टर में जब हम थे तो स्टूडेंट्स वर वेरी मच रिलेक्टेंट कि हम कैसे पढ़ेंगे हम कैसे करेंगे ये कैसे होगा और बहुत ज्यादा हमें जो है टफ टाइम देना पड़ा जब हम सेकेंड सेमेस्टर में आए तो लोग ऑलमोस्ट इसके साथ जो है कंफर्टेबल हो चुके थे और अब जब हम थर्ड सेमेस्टर की तरफ जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर ओके विद द सिस्टम अब लोगों ने अपने आप को उस लिहाज से ढाल लिया है तो देखें चेंज की जब बात करते हैं ना तो चेंज ऑलवेज ब्रिंग स्ट्रेस ये तो एक नॉर्मल सा फेनोमेना है तो इनिशियली स्टूडेंट्स वर इन स्ट्रेस वर इन पैनिक यार कैसे होगा और देखें स्टूडेंट और मार्क्स का फेयर ना हो तो स्टूडेंट नहीं होता मैं तो कहता हूं तो स्टूडेंट्स को उस वक्त जो है ये सारे स्ट्रेस थे और जैसे जैसे दे बिकम कंफर्टेबल विद द सिस्टम दे बिकम कंफर्टेबल कि हाँ यार ये भी एक तरह का एक क्लासरूम है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं तो इवेंचुअली इनका जो स्ट्रेस लेवल वो कम होता गया और अब मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस सेमेस्टर में जहां जहां मैं पढ़ा रहा हूं तो इस वक्त स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लासेस से एक्सेप्टेबिलिटी रेट जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है और ऑब्वियसली इसके बगैर सर्वाइवल भी नहीं एस यू सेड यस ट्रू ये भी सही बात है थैंक यू लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन डॉक्टर राशिद से पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कैन यू प्लीज गाइड द बिजनेस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के हाउ डू दे डेवलप देयर प्रोफाइल जैसे हम लोग अभी बहुत पुराने दौर में अपना रिज्यूमे बनाते थे सीवी बनाते थे पेपरों में लिखते थे अब हाउ वुड यू सी एंड हाउ वुड यू रिकमेंड दोज स्टूडेंट्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के वो कैसे अपना प्रोफाइल को कैसे डेवलप करें टू मीट दोज चैलेंजेस फॉर दिस COVID-19 के हवाले से जी ओके सो बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज द थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट तो ये तो बड़ी सिंपल है चाहे आपको आप इसके साथ चलें जो टेक्नोलॉजी है अडॉप्ट नहीं करेगा तब्दीली को चेंज को तो वो पैरिश हो जाएगा वो विल बी नो मोर तो ये तो खुदा का हुक्म है ये तो खुदा का ऑर्डर है कुदरत का एक तरीका है कि हमें उसको उसको उसके साथ चलना चाहिए जो भी पॉजिटिव तब्दीली है और जो उसमें अहम चीज है जहां तक ये सीवी है इसमें डॉक्टर हैदर साहब जरूर और बेहतर इनपुट दे सकेंगे तो मेरी नजर में मैं यही जो मैंने पहले बात की थी कि अप स्किल री स्किल न्यू स्किल्स होती हैं एक तो बिल्कुल बच्चे हैं कुछ यहाँ से सिर्फ थ्योरी लेके जा रहे हैं हमने कुछ प्रैक्टिकल उनसे कराए हैं गेस्ट स्पीकर सेशन कराए कुछ विजिट कराई है कुछ इंट्रेक्शन कराया है जो हमारा FMS का खास तौर पर बड़ा वो अहम पूरा इम्तियाज है कि हम इस तरह से लोगों को मतलब फिजिकली इन्वॉल्व करते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है मैं तो ये चाहूंगा कि जब मैं सीवी देखता था अपने
जनरल मैनेजर में व्हेन आई वाज जनरल मैनेजर एचआर एंड समवेयर, तो मुझे बुनियादी तौर पर इंटरेस्ट इस बात पे होता था कि इसने कहाँ कहाँ से क्या क्या स्किल सीखी, क्या क्या इसको आता। मिसाल के तौर पे अगर इंजीनियरिंग के लिए तो मैं प्रेफर करता था कि इसको ऑटोकैड आना चाहिए, कि ऑटोकैड के जरिए ये कोई जो 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 होती है मॉडलिंग है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो बेहतर कर सके। इसी तरह एक्सेल की स्किल आई, और मैं अक्सर बच्चों से जब सवाल करता था तो मैं ये कहता था कि एक्सेल आपको कितनी आती है, उसमें पिवट टेबल आपको आता है या आपको कंसोलिडेशन आती है या क्या, क्योंकि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही नाम नहीं है, इसके अलावा जो है और भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी पीपीटी एक्सेल और वर्ड के अलावा बहुत सारी और दूसरे भी सॉफ्टवेयर हैं। तो जो सीवी बने, एक तो अब तो दूसरे सीवी आ रहे हैं, डिजिटल सीवी बन रहे हैं, आपके मीडिया के थ्रू सीवी बन रहे हैं, आप अपने आप सीवी रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर आप एक पीपीटी के जरिए भी सीवी बना रहे हैं, फिर आप एक ट्रेडिशनल तरीका उसके जरिए भी सीवी बना रहे हैं, उसके बाद जो आपकी जो ये हैं हेड हंटर, ये लोग के परफॉर्म भी हैं परफॉर्मर्स, और उसके ऊपर सीवी बन जाते हैं और ऊपरी जगह लिंक्डइन और उसके थ्रू चले जाते हैं। लेकिन बच्चों से मैं कहूंगा कि जो आपने सीखा, आपने एक विजिट भी अगर की है अपने यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन के दौरान, उसको भी मेंशन करें कि आप कहाँ गए थे और आपने क्या किस जगह गए थे। तो जो जो आप सीखते जाते हैं जिंदगी में, आप उसको सीवी का अपना हिस्सा बना लें। सीवी सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, आपको खुद भी ये ताकत देगा कि मैं इतना जानता हूँ या मेरे पास वो है। नॉर्मली सीवी वो वन पेजर एक टाइम पे बड़ा चलता है, आज भी वो उसका नाम था वन पेजर, वो ठीक है, एक ब्रीविटी होती है, एचआर वाले चाहते हैं कि हम जरा सुकून से देख लेंगे मोटी मोटी चीजें क्या वो देख लेंगे। लेकिन बहरहाल मैं इस बात पे जोर दूंगा कि भले उसे कंसाइज वे में लिखें या उसे प्रोड्यूस करें, लेकिन अपनी हर अचीवमेंट को अपना सीवी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब इंटरव्यू होता है, क्योंकि 8-10 मिनट का या 15 मिनट के इंटरव्यू में आपका फ्यूचर का डिसीजन किसी एक शख्स के पास टेम्पररी तौर पर मौजूद होता है, तो उसको जाया नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप अपनी सारी स्किल या जबानी बयान करें इंटरव्यू के लिए जाए, या कम से कम उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने सीवी का जरूर हिस्सा बनाएं। लेकिन आजकल तो डिजिटल सीवीज है, आप मीडिया के थ्रू अपना रिकॉर्ड कराएं, एक अच्छा सा खूबसूरत से सीवी पे सारी बातें बताएं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो हमारे यहाँ कितने लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो डिजिटल सीवी तो बेस्ट है जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद पीपीटी और दूसरे तरीके से। चाहूंगा कि अगर आप भी कुछ इसके ऊपर बात करना चाहें, इस मौजू के ऊपर कि हाउ स्टूडेंट्स कैन डेवलप देयर प्रोफाइल, लेटेस्ट जो आजकल का जो दौर है उसमें आप कोई अगर रेकमेंड करना चाहें। डॉक्टर साहब ने तो डिजिटल सीवी के हवाले से जैसे बात की, आप कोई ऐसी चीज कोई मशवरा देना चाहें स्टूडेंट्स को कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पेंडेमिक के अंदर अपने सीवी जो प्रोफाइल जो हम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाएं। मैं बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस सवाल में। देखें, एक तो ये कि लेआउट वगैरह ये तो बात मेरे ख्याल से पिटी इशू होता है, असल में कंटेंट और सीवी का क्या हो जो मैं समझता हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब मैं चाह रहा था कि कंटेंट्स तो देखें, मेरा जो कहना है मकसद है वो ये है कि मीडियम जो है ना, मीडियम के ऊपर मैं चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स स्टाइल होता है ना डॉक्टर साहब, वो पेपर पहले तो वो एक पेपर के ऊपर लिख दिया आपने, उसके अंदर आपने कॉलम बना दिया, डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए। आई एम मोर इंटरेस्टेड नो, जैसे डॉक्टर राशिद ने भी कहा कि उसके अंदर वो डिजिटल सीवी के आजकल आ रहा है, वीडियो सीवी आ रहा है, तो आपके राय में क्या ये सब ये इसके अलावा भी है कोई ऐसी चीज है कॉन्टेंट्स? मेन चीज यही है, बल्कि मैं काम करूंगा आपसे मेरे मुलाकात होगी तो मैं अपने जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग जो है अपने ग्रेजुएट डायरेक्टरी अब ई ग्रेजुएट डायरेक्टरी के नाम से, बल्कि शायद मेरे पास यहाँ रखी हुई भी है इत्तफाक से, ये हमारी ग्रेजुएट डायरेक्टरी है अगर आप देखें तो। ये हम लोगों ने अपने वीडियो सीवी बनाई है, तमाम हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है सीवी इसके अंदर मौजूद है। हमने एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर को हमने बेसिकली लिंक किया हुआ इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, अब एचआर बंदा जो है उसको ड्रैग नहीं करना कुछ, उसने क्या, अच्छा ये बच्चे का विजिटिंग कार्ड भी है हमारे, ये हमारे लास्ट ईयर की है, इसका पेंडेमिक से हो नहीं सका, ये हमारे डीपीए का तस्वीर बनी हुई है, अच्छा जस्ट बाय चांस यहाँ पे रखी हुई है, मेरे प्लान में नहीं था। नहीं नहीं सर, ये डॉक्टर साहब मुझे प्लान लग रहा है, ये एक्सीलेंट पॉकेट में रखी हुई थी,
सॉफ्टवेयर बनवाया उसके अंदर सिंपल जो रेडियो बटन है उसके अंदर क्राइटेरिया लिया, जेंडर वाइज सर्च कर दिया, इलेक्टिव वाइज सर्च कर दिया, एरिया ऑफ रेजिडेंट वाइज सर्च कर दिया, एक्सपीरियंस वाइज सर्च कर दिया, उसके क्राइटेरिया सिलेक्ट किया, ओके किया। अब अगर आपको फाइनेंस के बंदे चाहिए जिनकी एज जो है वो 30 और 40 के दरमियान हो, उनका एक्सपीरियंस हो, उसमें वो क्लिक करेंगे वो सारी 4 या 5 सीवीज आ जाएगी, उसको क्लिक करें पीडीएफ व्यूअर पे खुल जाएंगे, उससे आप देख सकते हैं। एक तो ये दारा ये कर सकता है। हाँ, मैं फिर कंटेंट पे आना चाहूंगा। मेरा कंटेंट से मुराद ये कि एक सीवी हैवी कैसे होती है। सीवी हैवी इस तरह से होती है कि उसके अंदर आप जो है मोर एंड मोर सर्टिफिकेशन लाओ, कोर्सेज लाओ। एक टिपिकल आपने जी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, स्पेशलाइजेशन एचआर, स्पेशलाइजेशन एमआईएस गुड, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर उसके अंदर जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सेल आपने अगर एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग ली हुई है या कोई वर्कशॉप कलेक्ट की हुई है आपने एक्सेल की, वो जरूर लिखें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमएस प्रोजेक्ट, जैसे अगेन डॉक्टर साहब ने कहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट अबाउट वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, तो एमएस प्रोजेक्ट, एक्सेल, इस तरह की चीजों के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अदर देन दैट, अगर आपको कोई वेब डेवलपमेंट टूल आता है वो जरूर, आप नहीं भी आता तो अब आपको वो सीखना है। बल्कि आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इंडस यूनिवर्सिटी के टाइप के सर्टिफिकेट कोर्सेज को आप स्टार्ट करें। प्लस इसके अंदर 2 कोर्सेज मेरी अपनी पर्सनल, अच्छा मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली आई हैव डन बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, देन एमपीए एंड देन पीएचडी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा है। तो मैं उस बैकग्राउंड के लिहाज से भी मैं बताऊं कि 2-3 कोर्सेज हैं जो अब मैं समझता हूं कि आज के बच्चों को करने ही हैं, जिसमें एक है डेटाबेस एंड ईआरपी। इधर डेटाबेस और ईआरपी से मुराद ये नहीं कि वी आर गोइंग टू टीच यू द प्रोग्रामिंग, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसकी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज़ यू गाइस विल बी द फ्यूचर मैनेजर्स, आपको यही मैनेज करना होगा। इंप्लीमेंट कोई और कर रहा होगा, यूज कोई और कर रहा होगा, यू बी द मैनेजर। तो डेटाबेस और ईआरपी का कोई कोर्स अगर आप लोग लॉन्च करें उसको जरूर स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। अदर देन दैट, मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस ये भी एक ऐसा कोर्स है कि अगर ये आपके सीवी में लिखा हुआ होगा तो यकीनन your employer will call you for the interview, at least for the interview. Similarly, आजकल CSR के ऊपर बहुत काम हो रहा है और बहुत ज्यादा NGO से related काम हो रहा है, तो something like NGO. और आखिरी last but not the least and out of the context बिल्कुल बात है human resources. Oh sorry, human rights. Human rights. इसके ऊपर अगर आपने कुछ किया हुआ हो ना तो एक अजीब सी ना आपकी सीवी के अंदर ना वैल्यू ऐड हो जाती है एनजीओ और ह्यूमन राइट्स से, कि यार ये एनजीओ और ह्यूमन राइट पे भी इसने काम किया है, बुलाएं तो सही इसको, जरा देखें इसने क्या पढ़ा है, बुलाएं तो सही इसकी यूनिवर्सिटी वालों ने इसको क्या कराया है। तो वो ना एक अलग से, क्योंकि देखें ऑल द यूनिवर्सिटीज, डॉक्टर राशिद साहब इस पर ज्यादा बात करेंगे क्योंकि ही हैज अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एज वेल, मैं तो बचपन से ही काम पढ़ाना है इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये कि जब हम बात करते हैं ना एनजीओज और सीएसआर एक्टिविटीज और ह्यूमन राइट्स वगैरह की, तो उसमें बहुत ज्यादा आपकी अगर सीवी पे ये चीजें लिखी हुई हो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देती हैं। और सीएसआर एक्टिविटी अगर मतलब आपने एनजीओ किया हुआ है, आपने ह्यूमन राइट्स किया हुआ है, तो सीएसआर एक्टिविटीज के लिए यू बी द बेस्ट पिक फॉर योर एम्प्लॉयर। ये मेरा बेसिकली मुराद सीवी को कंटेंट वाइज या हैवी करने से ये। थैंक यू वेरी मच। On behalf of the management Indus University, I'm really thankful, Dr. Rashid, Dr. Mustafa Haider Saab, aapka bahut shukriya.